बरस ये जनता का राज बनेगा तो पहला संकल्प इसका है कि साल भर के अंदर नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब बनी तब बनी, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपका बच्चा गया है बाहर रोजी रोजगार करने, जो बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं उसको नौकरी हो या ना हो, लेकिन सबके लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ओके के चाहिए। तब की हाली जब छठ में घर के सवांग आवता लोग बैठ के सुन के जाइए, आंचल में बांध लीजिए, जो छठ में आपका सवांग आपका लड़का आ रहा है उसको बोल दीजिए कि 25 में अगला बरिस जब छठ में आपका बच्चा लौटेगा तो फिर रोजी रोजगार के लिए उसको बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा संकल्प, गांव में चल ली तो देखे बूढ़े लोगों का बड़ा कष्ट है, अब वो आदमी पढ़ नहीं सकता, नौकरी मजदूरी भी नहीं कर सकता है, और नीतीश कुमार बूढ़ा आदमी को 400 रुपया भीख दे रहा, तो ये तय हुआ कि दिसंबर 2025 से, याद रखिए दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन के व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। और तीसरा संकल्प, 15 बरस से कम उम्र का जिसका जिसका बाल बच्चा है, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, गरीबी तब जाएगा, लक्ष्मी तब आएंगी जब सरस्वती का वास होगा, लड़के आपके पढ़ेंगे, इसलिए जन सुराज का तीसरा संकल्प है कि आपका बच्चा 15 साल से कम उम्र के आपके बच्चे जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके।